ओम शांति। भगवान उवाच, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियां तुम्हारा ऑर्डर मानती रहेंगी। सर्वश्रेष्ठ सीट है स्वमान की सीट। स्वमान की स्थिति हमें अभिमान से भी मुक्त कर देती है और यही वो सीट है जिसके नीचे दबकर अनेक समस्याएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो आइए स्वमान की सीट पर बैठने की प्रैक्टिस करें। जब इतनी सुंदर सीट हमें मिलती है तो हम उससे नीचे उतरे ही क्यों, ये हमारी स्थिति की सीट होती है। याद करें बाबा का एक महावाक्य, स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं और श्रेष्ठ स्वस्थिति बनाने का आधार है स्वमान। तो हम स्वमान का अभ्यास करते रहें, स्थिति श्रेष्ठ बनती रहेगी और उसके बाद परिस्थितियां रहेंगी ही नहीं। बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य हैं, जो स्वमान की सीट पर सेट हैं, ज्ञान सूर्य की किरणें उनकी छत्र छाया हैं। जो स्वमान की सीट पर सेट रहते हैं, बाप उनका जिम्मेदार है और जो अपसेट रहते हैं उनके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। हम इन बातों पर विशेष ध्यान दें। जो स्वमान में रहते हैं, सफलता पर छाई की तरह उनके आगे पीछे चलती है, मान परछाई की तरह उनके चरणों में आता रहता है। तो हम स्वमान पर बहुत ध्यान दें। जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं उन्हें स्वीकार करें, उन पर चिंतन करें। एक स्वमान हम ले लें, मैं विजयी रतन हूँ, इस पर हम चिंतन करें। किसने कहा ये? स्वयं भगवान जो हमें जानता है उसने याद दिलाया, बच्चे तुमने इस माया को कल्प कल्प जीता है, तुम विजयी हो, तुम्हारे अंदर माया को जीतने की शक्ति है, तुम्हारी ही याद में विजय माला बनी हुई है। सोचो तुम्हारे मन को कोई स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें भी सिद्धि मिल जाती है, वो भी सुखी हो जाते हैं। तो तुम तो स्वयं ही विजय माला के मनखे हो। तो हमें स्वीकार करके इस तरह चिंतन करना है और फिर इसके नशे में रहना है। मैं विजयी हूँ, माया मेरे से कमजोर है, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। दूसरा स्वमान है, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बहुत सुंदर स्वमान है। आज इन दोनों का सारा दिन हम अभ्यास करते रहेंगे। जब हम इस अभ्यास में स्थित होते हैं, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य की किरणें हम पर आती हैं, तो ये किरणें जो चार ओर फैलती हैं, उनसे संसार से माया के जर्म्स कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इस अच्छे स्वमान की प्रैक्टिस करते हैं तो हम ईश्वरीय कार्य में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, अनेक आत्माओं को माया से बचाने का श्रेष्ठ कार्य करते हैं। हमसे निकली हुई शक्तियों की किरणें चारों ओर के वायुमंडल को पावरफुल बनाती हैं। ये भगवान वो अच्छी है कि अगर तुम्हें किसी स्थान के वाइब्रेशंस को बदलना है तो वहाँ ये अभ्यास करो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो आज सारा दिन हम ये दो स्वमान याद करेंगे, मैं विजयी रत्न हूँ, विजय की शक्ति मेरे पास है, विजय हमारी ही है। सोच लें भगवान ने कह दिया है विजय तुम्हारी ही है, तो हमें उनके शब्दों में संपूर्ण विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, सूर्य के समान तेजस्वी, अपने को ऐसी ही चमकती हुई आत्मा भी देखेंगे और ये फील करेंगे मेरे अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं, जिनसे चारों ओर के माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं, वो जल के मर रहे हैं।
और ऐसे ही परम धाम में ज्ञान सूर्य हैं, उनकी शक्तियों की किरणें नीचे मुझ पर पड़ रही हैं। तो जैसे लगातार किरणों की बौछार हो रही है और फिर हमसे फैल रही है, ये अभ्यास करेंगे। ओम शांति।